मुख्यमंत्री जी का कहीं से दाल गल नहीं रहा है। लग रहा है कि अब हमारे साथ कोई खड़ा नहीं है। ये मुख्यमंत्री का कुर्सी अब छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उद्देश्य से आया था कि इनको बाहर भेज करके हम मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठेंगे, वो सपना भी साकार होते दिखाई नहीं पड़ रहा है। और ये गठबंधन की शुरुआत हो चुकी है, हमने पहले भी बताया। मैं उन तमाम मित्रों को बता दूं कि विजय सिन्हा राजनीति बिना भय और लोभ के किया है, और ये खेल की शुरुआत हो चुकी है। बजट सत्र पार कर जाए यही बड़ी चीज है। माननीय नीतीश कुमार जी को कुर्सी से उतार के ये लोग छोड़ेंगे, कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि ये तैयारी कर चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ शिवम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने बड़ा बयान दिया है, और उन्होंने यहां तक कह दिया कि खेल शुरू हो चुका है, बजट सत्र भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पार नहीं कर पाएंगे, उनसे पहले ही राजद वाले उन्हें कुर्सी से उठाकर फेंकेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं विजय सिन्हा, पहले आप वो सुने। देखिए, बिहार के लिए ये बड़ा ही दुखद क्षण से गुजर रहा है बिहार। बिहार में बैठी सरकार दो स्वार्थी और अहंकारी लोगों के नेतृत्व में ये अपना जो महा ठगबंधन की जमात बनाए थे, एक दूसरे को ठगने के लिए बड़े भाई ने छोटे भाई को प्रधानमंत्री का सपना दिखाया, और छोटे भाई ने बड़े भाई के पुत्र को मुख्यमंत्री का सपना दिखाया। अब प्रधानमंत्री की सपना में मुख्यमंत्री जी का कहीं से दाल गल नहीं रहा है। लोग इनको तरजीह नहीं दे रहे हैं। लग रहा है कि अब हमारे साथ कोई खड़ा नहीं है, तो ये मुख्यमंत्री का कुर्सी अब छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और छोटा भाई जिस उद्देश्य से आया था कि इनको बाहर भेज करके हम मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठेंगे, वो सपना भी साकार होते दिखाई नहीं पड़ रहा है। और दोनों एक दूसरे को ठगने में लगे हैं। अब ये ठगबंधन लठबंधन में बदलने वाला है, और ये लठबंधन की शुरुआत हो चुकी है। हमने पहले भी बताया कि 2023 ये लोग पार नहीं करेंगे। 2023 के अंदर ये लोग कह रहे थे कि क्या क्या बोलते हैं, अस्तित्व बचाने के लिए बोलते हैं। तो मैं उन तमाम मित्रों को बता दूं कि विजय सिन्हा राजनीति बिना भय और लोभ के किया है, और भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही के रूप में, एक सामाजिक सैनिक के रूप में जनता की आवाज़ को सड़क से सदन तक उठाया है। चाहे सत्ता के बाहर रहे हैं या सत्ता के अंदर रहे हैं, लेकिन आप लोग जो कर रहे हैं, महाठगबंधन की सरकार में विधायिका को अपमानित कर रहे हैं, विधायिका को कमजोर कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की यात्रा निकलती है, विधायक को बुलाते तक नहीं है, विधायक की बात नहीं सुनी जाती है, मंत्री की बात नहीं सुनी जाती है। आप विभाग की समीक्षा करते हैं, मंत्री को भी महत्व नहीं मिलता है। आरजेडी के कोटे के मंत्री का सारा पीएस को स्थापित कर दिए हैं उप मुख्यमंत्री, और पीएस डायरेक्ट रिपोर्टिंग करता है, मंत्री का वैल्यू जीरो वहाँ है। और मुख्यमंत्री जी यहाँ सारे विभाग को अपने आप, सिर्फ उप मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य विभाग की ये समीक्षा नहीं कर पाते। देखिए, खुल करके हमने उसी को, विषयांतर नहीं है, उसी विषय से जुड़ा विषय आपको कहा कि ये ठगबंधन ठगने की तैयारी है और लठबंधन की तैयारी हो चुकी है। माननीय जीतन राम मांझी जी भी अनुभवी लोग हैं, और इनके सारे खेल को वो देख चुके हैं। कभी इनको मुख्यमंत्री बनाया, कभी गर्दन पर हाथ रख करके बाहर का रास्ता दिखाया, और ये खेल की शुरुआत हो चुकी है। बजट सत्र पार कर जाए यही बड़ी चीज़ है, और ये खेल लंबा होगा। माननीय नीतीश कुमार जी को कुर्सी से उतार के ये लोग छोड़ेंगे, कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि ये तैयारी कर चुके हैं। और मैं जो कह रहा हूँ उसकी सत्यता की जाँच का लक्षण ये प्रकट हो रहा है। हम तो हफ्ता पर पहले ही बोले थे, अब वो लक्षण सब प्रकट हो रहा है। अब देख लें,
आगे होता है क्या क्या। देखिए भारतीय जनता पार्टी ये दोहरा चरित्र दोहरा खेल नहीं खेलता है, जो बोलने का रहता है भारतीय जनता पार्टी का नेता डायरेक्ट बोलता है, पीठ पर वार नहीं करता है। मैं धोखा दे करके नहीं, हाँ ये जरूर है कि मैं सत्ता के लिए नहीं सुशासन स्थापित करने के लिए हम काम करते हैं, हम चाणक्य बनकर चंद्रगुप्त बनाते हैं, लेकिन जब कोई दगा करता है तो फिर जनता उसको सजा देती है। मैं बता दिया कि माननीय नीतीश कुमार जी हो या सुधाकर सिंह हो या तेजस्वी यादव जी हो, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लाल किला से आह्वान है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का, और महात्मा गांधी का, जेपी का, लोहिया जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जाति विहीन समाज बनाने में जिसको विश्वास है, राष्ट्रवाद के पथ पर जो चलेगा, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास, वही भारतीय जनता पार्टी के साथ आएगा। और जो इस पथ पर नहीं चलेगा, जातीय उन्माद फैलाने वाले के लिए मेरे पार्टी में कोई जगह नहीं है। तो आपने साफ तौर पे सुना, जहां एक तरफ इन दिनों पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर हैं, जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने अपना बयान दिया और कह दिया है कि खेल की शुरुआत हो चुकी है और बजट सत्र से पहले ही राजद वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कुर्सी पर से उठाकर ही दम लेंगे। बहरहाल बने रहे हमारे साथ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।